फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया कुकिंग व्लॉग्स में। आज मैं आपके लिए चिली पटेटो की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, आपके घर में आप बना सकते हैं। और ये इस तरह से कुछ हम पीसेस काट लेंगे आलू को अच्छे से वॉश करके, और इसमें अब हम मिलाएंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये, और इसमें अब हमने मिलाया फूड कलर थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो मिला सकते हैं, ना चाहें तो ना मिलाइए। और इसमें अब मैंने मिला दिया है नमक 1 चम्मच और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके घर में बर्थडे पार्टी है तो भी आप बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं स्नैक के तौर पर, और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये खाने में भी, और घर पे बनाएंगे तो साफ़ सुथरा है, इसका भी हाइजीन का भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाहर का तो नहीं पता ना आपको कैसा क्या है। और इसमें अब हम थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे, थोड़ा सा कम लग रहा था। और इसमें अब मैंने ऑयल ले लिया है, और इसको फुल फ्लेम पे हम काफ़ी तेज़ गर्म हो जाए तेल हमारा, फुल फ्लेम पे ही रखेंगे। और ये हमारी जो ये फ्राई हैं आलू, इसे हम इसमें डाल देंगे, और तेज़ आंच पे हम पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी हो सके। और ये हमने कॉर्नफ्लावर लिया है हमने इसमें, तो ये हम डाल देंगे इसमें, और ये हम फ्राइज निकाल लेंगे सारे, और ये हमारे फ्राइज बनके तैयार हैं। और अब हम इसका सॉस बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे इसमें बचे हुए तेल में। हम इसमें हमने तेल डाल दिया है, इसे चलाएंगे थोड़ा सा, और ये शिमला मिर्च और प्याज मैंने कुछ ऐसे पीसेस में काट लिए हैं, इसे हम डाल देंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हमने डाल दिया है, और इसे थोड़ी देर चलाएंगे। ब्राउन नहीं करना है हमें। और ये जो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, इसमें पानी मिक्स करके ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए इसे हम मिक्स करके रख देंगे थोड़ा सा। और ये सॉस है, टमाटो सॉस डालेंगे, और ये हमारा है विनेगर, इसे भी हम डालेंगे 1 चम्मच, और ये चिली सॉस है। मैं ये अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसमें आप वैसे तो इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी, आप इसमें सेजवान चटनी, चिली सॉस मिला सकते हैं, रेड चिली सॉस भी मिला सकते हैं। और ये मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला मैंने, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और ये जो मैंने कॉर्नफ्लावर का घोल बना के तैयार किया था, इसे भी हम ये ग्रेवी में डाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए, गाढ़ी हो जाए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो हमारे फ्राइज थे, इसे भी हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे ना, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ग्रेवी को इसके साथ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये हमारे मिक्स हो गए हैं, और इसे हम अब सर्व करते हैं, फैमिली वालों को खिलाते हैं, टेस्ट कराते हैं उन्हें कैसा लगा। अब ये छोटा मोटा आपके घर में गेट टुगेदर है तो आप बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी है तो भी आप बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पर भी बना सकते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है।
और फ्रेंड्स, अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।